त्रिपुरा में चुनाव के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि आखिरकार त्रिपुरा के राजा रजवाड़े और वहां के जो पैलेस हैं, वहां क्या होता है? हमारे साथ हैं वीर प्रद्युत कुमार बर्मन, जो ये बताएंगे, जो राजा हैं, 186 किंग ऑफ द डायनेस्टी हैं। प्रद्युत, ये बताइए, दिन भर कैसा आपका दिन गुजरता है और चुनाव पर आपकी नजर कैसी रहती है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पूरी शिक्षा नॉर्थ ईस्ट में ही हुई है, और ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी और किसी और से बहुत अलग होती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, लेकिन सिर्फ अगर मैं एक चीज तो करता नहीं हूँ, कोई आज के जमाने में कोई राजा महाराजा तो है नहीं, टैक्सेशन वैक्सेशन तो कुछ है नहीं, हमारी एक संवैधानिक रोल तो है नहीं, लेकिन हाँ, सोशली कल्चरली दिन शायद 7-7:30 बजे से शुरुआत होती है, और उसके बाद हमारी मुलाकात पूरे दिन में 100, 200, 300 लोगों से तो होती है प्रत्येक दिन, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरा सिर्फ एक ही प्रोफेशन नहीं, मैं कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस त्रिपुरा में, उसके बाद मेरी अपनी बिजनेसेस हैं, मैं एक नया होटल शुरू कर रहा हूँ अगरतला में, शिलोंग में बिजनेसेस हैं, उसके बाद द नॉर्थ ईस्ट टुडे जो पत्रिका है उसका मैं एडिटर इन चीफ हूँ, तो मैं एक चीज तो नहीं करता हूँ, काफी चीज करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई आएगा इसमें। बहुत समय त्रिपुरा के पैलेस में है, उज्जैन पैलेस, क्या खासियत है इसकी और क्या क्या लोगों को जानने की जरूरत है इसके बारे में? देखिए, त्रिपुरा में अब मैं अपने पैलेस के बारे क्या बताऊं, हाँ, एक ऐसा है कि ये आज एक चिन्ह है कि ये नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग जब बाहर के लोगों से बात करते हैं तो उनको लगता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में एक आर्किटेक्चर वंडर होगा, कुछ मतलब उनको लगता है कि जंगल है, आप जंगल में जाएंगे, एक वातावरण है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप, तो ये उज्जैनता पैलेस 1898 में बना था, जबकि असम अर्थक्वेक के बाद, और ये जो पैलेस है ये उस समय से लेकर आज तक, क्योंकि उसके बाद जो पुराने पैलेस है सब टूट गए, तो तब से लेकर आज तक ये है, एक मार्वल है। एक पोर्शन में मैं रहता हूँ, एक पोर्शन में स्टेट असेंबली है, और अब वो स्टेट म्यूजियम हो चुका है, लेकिन ये पैलेस आज एक चिन्ह है कि ये एक हिस्टोरिकल ट्राइबल किंगडम था। आज यहाँ में पोस्ट पार्टीशन के बाद, पोस्ट बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद बहुत लोग आए हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल सिंबल है कि यहाँ में एक त्रिपुरा महाराजा थे, वो एक ट्राइबल थे, वो एक इंडिजिनस रूलर थे, और ये एक हिस्टोरिकल सिंबल हो गया है, मोर देन एक रेजिडेंस ऑफ अ रॉयल। जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस भी टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है आपको आने जाने में, देखने में, कैसे आप इसका मेंटेनेंस सारा देखते हैं? मुझे तो लगता है पेंटिंग में भी कई महीनों लग जाते होंगे। तो ऐसा है कि पेंटिंग्स सिर्फ आप पेंटिंग्स को देखेंगे, मेंटेनेंस बहुत होता है, ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, प्रॉपर्टीज कलकत्ता में है, मध्य प्रदेश में है, कुछ लखनऊ में है मेरी माँ की, और ऑफकोर्स त्रिपुरा में 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, तो मेंटेनेंस का ये मतलब नहीं है कि मेरा बिजनेसेस है, मैं स्टेट से रुपया तो लेता नहीं हूँ, तो बचपन से मैंने वर्क इज इम्पोर्टेंट और वैल्यू फॉर मनी इज देयर, तो मैंने बचपन से मैंने अपनी बिजनेसेस की है, जैसे मैंने कहा कि मेरे 2 होटल्स हैं, आज एक पत्रिका है, एक मैरिज हाउस है, और 1-2 और बिजनेसेस मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उसी से ये प्रॉपर्टीज मेंटेन होती है, मैं स्टेट से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्टेट को क्यों बर्डन करूँ, ये मेरा घर है, प्राइवेट घर है, और मैं स्टेट से पैसा इसके लिए नहीं लेता। कोई एक ऐसी बहुत सारी यादें होंगी, कुछ ऐसी यादें बताएं जो इस पैलेस से जुड़ी हैं, आपसे जुड़ी हैं, घर है आपका, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, सिर्फ देखकर ही कहते हैं वाह क्या बनाया है, आपकी ऐसी बातें जो यहाँ पर आपने बचपन बिताया है, बाकी सारी चीजें हुई हैं, उसके बारे में देखिए, यादों से बहुत चीज याद आ जाती है, जैसे आपने कहा ये सवाल ज्यादा करके कोई पूछता नहीं है, सब आकर देखते हैं पैलेस से बस, तो यहाँ में मेरे पिताजी जो अभी नहीं रहे, वो उनके साथ इसी जगह में हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, या फिर कभी क्रिकेट खेला गया, एक समय जब 1980 की राइड्स हुई तो इसी पैलेस के नीचे, क्योंकि यहाँ में स्थिति बहुत खराब था, तो मुझे याद है कि पैलेस के एक कमरे के अंदर कि यहाँ में वायलेंस हो रहा है 80 राइड्स में, तो आपको एक जगह में रहना चाहिए, डेंजर है,
वो भी याद है, वो 1980 के थे उस समय मैं 84 तो हाँ 1980 त्रिपुरा। और उसके बाद मुझे याद है कि यहाँ में बहुत डिग्निटरीज आए, राजा महाराजा लोग आए, इंदिरा गांधी जी आए, राजीव गांधी आए यहाँ में। मैं बच्चा था, देखता था कि यहाँ में इम्पोर्टेंस लोग आ रहे हैं, लेकिन उस समय मालूम नहीं था कि ये क्या है। तो ये सब यादें हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो यहीं में ही उनका एक पब्लिक, ये पूरा पैलेस भर गया था, कम से कम 7 से 8 लाख लोग आए थे उनके श्राद्ध में, और जब उनका देहांत हुआ था तो उस समय भी एक यादगार रह जाती है कि अरे इस पैलेस में बहुत चीज हुई है। 1971 वॉर के बाद जब यहाँ में प्रॉब्लम थे, तो हमने हजारों लोगों को जो बांग्लादेश से आए थे, और 1980 राइज के बाद अपने ट्राइबल लोगों को जो हमारे कम्युनिटीज हैं उनको मैंने यहाँ में, हमारे पिताजी ने यहाँ में उनको रहने के लिए जगह दी, क्योंकि सब उनके घर जल गए थे गांव में। तो ये सब एक यादगार है, कुछ मेमोरेबल है, कुछ हिस्टोरिकल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब जो यादगार है, ये मतलब कि ये रह जाती है। एक दिन शायद अगर मैं किताब लिखूँ तो मेमोरीज ऑफ उज्जैनता पैलेस विल बी अ वेरी बिग एंड वेरी पोइग्नेंट बुक। खेल के बारे में बताइए, कितना इंटरेस्ट रखते हैं, क्या क्या समय दे पाते हैं, बिकॉज फिजिकल फिटनेस भी उतनी जरूरी होती है, स्वॉट बाकी सारी चीजें जो हम लोग ने रजवाड़े में हमेशा देखी हैं, सुनी हैं। नहीं, मैं पोलो नहीं खेलता हूँ फॉर द स्टार्टर्स, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, तो हमारा पूरा ही एक सिस्टम अलग होता है। मेरे फादर स्पोर्ट्समैन थे, मेरी सिस्टर एल्डर वाली वो एथलेटिक्स में थी। मैं बचपन से मैंने क्रिकेट खेला है, स्टेट टीम के लिए अंडर 19 के लिए खेला था, फुटबॉल खेला है मैंने स्टेट मतलब कि बंगाल क्रिकेट लीग में, फुटबॉल मैंने काफ़ी हाई लेवल तक खेला है। आज भी अगर मौका मिलता है तो फुटबॉल खेल लेता हूँ, लेकिन हाँ अब क्योंकि पॉलिटिक्स आ चुका है, बिजनेस आ चुका है, उम्र भी आ गया है, तो इतना फिजिकल फिटनेस नहीं आता, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं फिर से जिस दिन मेरा परिवार शुरू होगा तो मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलना चाहूंगा, और उस समय तो फिट रहना ही पड़ेगा। तो एज इज नथिंग बट ए नंबर कहूंगी मैं यहाँ पर, लेकिन जब बात करते हैं ट्रैवलिंग की, बहुत ट्रैवल करते हैं आप, जब वापस घर आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अपना पलंग अपना ही पलंग होता है, वहीं में नींद आती है, अपना किचन में से जो खाना आता है, जो भोज आता है, वही अपना होता है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। आप होटल में रह जाए, कहीं भी रह जाए, अपना घर जो बड़ा हो या छोटा हो वो फर्क नहीं पड़ता, अपना घर अपना ही घर होता है, अपना पलंग अपना ही पलंग होता है। जब हम लोग खाने की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि रोज पकवान खाते हैं? पकवान देखिए, मेरी फूड बहुत सिंपल है, हम लोग लार्जली लोकल इंडिजिनस फूड खाते हैं, और हाँ अगर कभी स्टेट डिनर्स हुआ तो कॉन्टिनेंटल हो या फिर डिपेंडिंग ऑन जो गेस्ट आते हैं, लेकिन वरना हमारी स्टेपल फूड राइस से ही होती है। और पकवान, अब आप हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो बहुत वो लगता है, लेकिन सिंपल खाना है, तेल घी ज़्यादा हम लोग घी तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो अपना हम लोग नॉर्थ ईस्ट से, हम लोग का फूड हैबिट्स भी अलग है, बैम्बू ज़्यादा है आजकल क्योंकि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, तो पॉक वो कम हो चुका है, लेकिन हमने सब जो भी मिलता है भगवान का अन्न है खाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो लोगों से कहते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों का, और एकदम से ऐसा लगता है नजरिया बदल जाता है फिर त्रिपुरा के बारे में? हाँ, त्रिपुरा और आपके बारे में कि राजा है भाई, तो कैसे तो राजा का एक स्टैंडर्ड वो होता नहीं, जैसे कि आजकल हर नेता एक स्टैंडर्ड कुर्ता पजामा और अन्ना हजारे जैसा कैप लेकर घूमता है, राजा का कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं होता। हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट का एक अलग ड्रेस करने का सेंस है, वार्तालाप का भी सेंस अलग है। अगर आप देखेंगे हमारे खाना उठना बैठना अलग रकम का है, हम लोग कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम लोग राजपूत नहीं है, हम लोग क्षत्रिय हैं लेकिन राजपूत नहीं। और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वाडियार्स को देखेंगे तो उनका भी एक अलग रकम का स्टाइल है। स्टाइल पे मैं आना चाहती थी कि क्या कुर्ता पजामा पगड़ी और या फिर इस तरह का देखने की टर्बन देखने की आदत हो जाती है लोगों को, उसी से कनेक्ट करते हैं? हाँ, तो आजकल सिर्फ एक ही आदमी वैसे ही ड्रेस करता है, वो है पीसी सरकार, हु इज अ मैजिशियन। देखिए, स्टीरियोटाइप करना कुछ में भी किसी में भी ठीक नहीं होता। आजकल अगर कोई पॉलिटिशियन है तो व्हाई डजंट ही वेयर जींस, क्या प्रॉब्लम है?
और कोई राजा महाराजा तो उनको जो उनको कंफर्टेबल लगे वो पहनी। हाँ, एक ओकेजन होता है जब विवाह होती है, जब एक पूजा होता है, जब एक ओकेजन एक सेरेमोनियल ओकेजन होता है, तब आप उस समय आप अपने पोशाक में आइए, वो मैं पूरे तरीके से मानता हूँ। लेकिन डे टू डे में अगर आप तलवार लेकर आजकल लेकर अगर आप बिग बाजार जाएंगे या फिर आप शॉपिंग मार्केट में जाएंगे और आप आजकल लगाकर तलवार लेकर जाएंगे तो मजाक हो जाता है। आप युवाओं के आइडल रहे हैं, देखते हैं आपको बहुत लोग, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट रोल मॉडल्स आर क्रिएटेड बाय हाइप, बाय मीडिया, बट जो निजी जिंदगी में जैसा आदमी कंडक्ट करता है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप मेरे पॉलिटिकल करियर देखेंगे तो मैं दल बदलाव नहीं करता। बहुत लोग जहां मैं अगर द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड वहां चले जाते हैं। ऑफर भी आए थे आपके पास बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, वो तो आते रहते हैं, वो ठीक है, दे आर राइट। अगर उन्होंने मेरे ऊपर कुछ पोटेंशियल देखा तो आई वेलकम इट, क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर एक लगता कि पोटेंशियल है तभी तो ऑफर आता है, वरना हारने वाले को कोई ऑफर नहीं देता है। लेकिन रोल मॉडल के लिए एक आइकन होता है कि आप अपने पर्सनल इंटेग्रिटी को रखिए। पावर और इमेज हाथ तो हाथ नहीं चलता, कभी कभी आपका इमेज पावर को छोड़ने से ज्यादा बढ़ता है। लालच सबसे बड़ी सबसे खराब चीज है आज के दिन, जहां तक मुझे लगता है युवा के लिए। तो हमें अगर देश को बदलना है, राज्य को बदलना है, तो एक नीति में जाना चाहिए, एक आइडियोलॉजी में जाना चाहिए और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल करना चाहिए, ना कि आज अगर सत्ता उस तरफ है तो हम वहां चले जाए, आज सत्ता हमारे पास नहीं है तो हम अपना पूरा वार्तालाप भी चेंज कर दें। अगर हम वार्तालाप की बात करें, एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है पूरी तरह से महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम से होगा अब, बहुत बड़ी बात है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, एकदम मैं वेलकम करता हूँ कि बिप्लब देव जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, नॉट एज अ कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बट एज अ ग्रैंडसन ऑफ महाराजा वीर विक्रम, आई वेलकम बिप्लब देव का एक कमिटमेंट था, उन्होंने मुझे भी पर्सनली कमिटमेंट दी थी कि ये होगा और पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने पास किया, मैं वेलकम करता हूँ। मैं ये भी एक बात ऑन रिकॉर्ड लगाना चाहता हूँ कि जो कैबिनेट ने जो पास की है ये नया नाम एयरपोर्ट के लिए महाराजा वीर विक्रम के नाम में, वही कैबिनेट में एक मेंबर थे जिसने प्राइवेट मेंबर बिल से यही एयरपोर्ट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम में किया था। आज वही इंसान अपने ओरिजिनल कमिटमेंट से बदलकर महाराजा वीर विक्रम के नाम में उन्होंने एयरपोर्ट किया है। इसका यही मतलब है कि लेट बट नेवर, यू नो, ये एक लेट रियलाइजेशन आया है उनको, लेकिन एक अच्छे तरीके से एक स्टैम्प भी है कि ये जो एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम ने बनाया था, जब पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 7 एयरपोर्ट थे, उनका एक एयरपोर्ट था, ये एयरपोर्ट का जो उनका कंट्रीब्यूशन जो वामपंथ सरकार पिछले 25 साल से डिनाई कर रही थी और कई लोग जो ऑपोजिशन थे वो भी डिनाई कर रहे थे, वो आज उनको एक अच्छा सा एक चाटा मिला है और हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं त्रिपुरा के ट्राइबल लोग, उनको एक गर्व महसूस हो रहा है कि जैसे कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में, कामराज है चेन्नई में, चौधरी चरण सिंह है लखनऊ में, अहिल्याबाई होलकर है इंदौर में, ऐसी त्रिपुरा में भी अगर आप पहले बार लैंड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एक इंडिजिनस ट्राइबल देश था और ये एयरपोर्ट हमारा एक वेलकम टू त्रिपुरा मीन्स वेलकम टू अ त्रिपुरा विच इज ऑल्सो अ ट्राइबल त्रिपुरा। बहुत बड़ी बात है और सिर्फ बात ट्राइबल त्रिपुरा की नहीं होती है, एक ऐसे त्रिपुरा की होती है जिसकी पहचान उज्जैन पैलेस है, जिसकी पहचान रजवाड़े हैं, जिसकी पहचान वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास में ऐसे पन्ने बनाए हैं जिसे इतिहास भी ताउम्र याद रखेगा। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, आज तक।